के यादव फ्रॉम जे एम आर स्टडी। आज हम लोग रेकरिंग से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संख्या 0.32 को पी बाई क्यू के रूप में लिखे, जहाँ पी क्यू एक पूर्णांक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिखने का जो है तरीका, जैसे बताएं आपको, यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो इसको लिखने का है आपको जैसे तरीका, जैसे देखें कि 0.32 को आपको क्या करना है, रेकरिंग के रूप में लिखना है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। जितना एक सबसे पहली बात की, जैसे 0.32 है, इसको हमें क्या करना है, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दशमलव भूल के पूरे टोटल संख्या को लिख देंगे, 32वां। अब जितना पर एकरिंग नहीं है, जैसे यहाँ 3 पर एकरिंग नहीं है, तो 3 को इसमें से घटा देंगे। अब देखें कितने संख्या पर एकरिंग है, तो 1 पर एकरिंग है, इसलिए हम यहाँ पर 1 9 दे देंगे। और जितने पर एकरिंग नहीं रहेगा, उतना हम 0 देंगे, यानी एक संख्या पर एकरिंग नहीं है, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 29 और बट्टा में हो जाएगा 30, यानी हमारा कि राइट आंसर हो जाएगा 29/30, जो कि पी वाई क्यू के रूप में है। उसी तरह अन्य सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले आपको, जैसे 0.02567 है, मान लो कि इस पूरे पर एकरिंग है, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले टोटल संख्या को लिखेंगे, 25/67 हो गया, और यहाँ पर तो कोई अंक बचा ही नहीं है, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए जितने संख्या पर एकरिंग है उतना हम 9 नीचे दे देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम इसी में सब हम समझेंगे, जैसे तीसरा नंबर पॉइंट अगर दें, 0 अगर हमारा है 2567, इस तीनों पर एकरिंग है, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल संख्या लिखेंगे 25/67, और कितने पर एकरिंग नहीं है, सिर्फ 2 पर, और जितने पर एकरिंग है उतना 9 देंगे, 3 संख्या पर है, तो 3 × 9 और 1 पर एकरिंग देंगे 0। अब इसको घटाइए, ये हो जाएगा 25/65/9990, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से दें हम चौथा नंबर, तो देखेंगे जैसे 3.4267 है, 7 पर अगर रेकरिंग है सिर्फ, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, तो बनाने का जो हमारा तरीका है, पहले टोटल संख्या लिखेंगे 34, 26, 7, देखें कितने पर रेकरिंग नहीं है, तो हमारा रेकरिंग नहीं है आपका, पहले इसको लिखने का तरीका हम 3+0.42, चूँकि ये दशमलव 3 इधर है अलग है, और ये 42 अलग है, तो ये 0.426 को हम अलग लिख देंगे बराबर, ये हो जाएगा 3+, ये हो जाएगा 426, कितने पर है रेकरिंग, ये गो 7 पर है, 4267 टोटल नंबर लिख करके, जितने पर रेकरिंग नहीं है, जैसे 426 पर, अब बट्टा कितने पर रेकरिंग है, मात्र एक संख्या पर, अब बच गया इधर कितना, 1, 2, 3 गो संख्या, नीचे 3 गो 0 दे देंगे। अब इसी को हल अगर आप करोगे, ये हो जाएगा 3+, अगर इसको घटाओ तो 4267 में से 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक हासिल इसमें लगेगा, 12 में से 4 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, यानी 38, 41 बट्टा में 900। इसी को अगर आपको लिखना है पूर्णांक के रूप में, तो 3 पूर्णांक यानी 38, 41 बट्टा में 900। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का जो है रेकरिंग निकाल सकते हैं, और किसी भी संख्या का, यानी आपको एक ही को याद रखना है पॉइंट, कि जिस अंक पर जो है रेकरिंग नहीं रहता है, उसको हम अंश में से क्या करेंगे, घटा देंगे। जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहे, उस संख्या को अंश में से क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। बस इस तरह से इस मेथड से हम किसी भी संख्या का रेकरिंग, हम कितना भी भारी रहे, उसका हम निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी। ये जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, ये आपको पूछा गया है 2018 बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई